अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाज़त फरमाए जी। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार, तो शुरू करते हैं फिर। रहमान रहीम, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, इसकी ये छोटी बोटियाँ मैंने नॉर्मल साइज़ की कर ली हैं। अब इसके की मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून काली सफ़ेद मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून अदरक, 1/4 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपना टेस्ट अकॉर्डिंग जितना भी चाहे ना आप इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं जी। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब इसमें सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। हमारी चिकन कितना है? चिकन मैंने लिया यहाँ पे 250 ग्राम चिकन है। अब इनको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके ना आधे घंटे के लिए रख देंगे। यह हो गई हमारी मिक्सिंग, अब मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन में हमने सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। अब हमने अपना जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि मैरिनेशन इसको काफ़ी देर टाइम की हुई हुई है, तो इसलिए ये जल्दी पक जाएगा, ये इतना ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेगा ना। तो इसको बस आपने अच्छी तरह से भून लेना है, आपका चिकन तैयार है। अब हम लेंगे यहाँ पे पट्टियाँ लेंगे, ये जो मांडा पट्टी आती है ना, हमने वो पट्टी ली है। बहुत ईजी और बना के तो बहुत ही कमाल की रेसिपी, यकीन करें मैंने बनाई है ना तो, लेकिन माशाल्लाह इतनी पसंद आई है सबको बहुत ज़्यादा। तो और तरीका इतना सिंपल है कि एक दफ़ा आपका मेहमान लाजमी पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाई है। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल और इंतहाई मज़े की रेसिपी ये बनी है। तो इसी तरह से आप फ्लावर को रोल करते जाएं तो इस तरह हमारा ये ना ही तैयार हो जाता है। माशाल्लाह ये देखें लुक वाइज कितना खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है ना। अगर आपने भी अपने मेहमानों को, घर वालों को हैरान करना है ना, तो आप ये रेसिपी लाजमी बनाएं। ये आपसे तरीका पूछ के जाएंगे आपके मेहमान के, आपने ये कैसे बनाई है। इस तरह से ना हमने इसको टूथपिक लगा देनी है। इस तरह आप देखें, एक बोटी सिर्फ बीच में हमने रखी है और उसको रोल कर दिया और टूथपिक लगा के ज़बरदस्त आपके बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको फ्राई करने में भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस हल्का सा आपने नॉर्मल चूल्हा रखना है, ताकि नीचे ऊपर से तो फ्लावर जल्दी आपके पक जाएंगे ना, लेकिन नीचे से जो रोल बोटी रख के रोल किया हुआ है ना, तो बस वो कच्चा ना रहे। ये देखें, ये जिस तरह ये बोटी बीच में आ गई ना, और यकीन करें खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनी। तो अल्लाह ताला सबके अपने घर में खुश आबाद रखें, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी करें, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।